हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी साइंस की 7th क्लास की जो है असेसमेंट वर्कशीट है। असेसमेंट जो वर्कशीट है क्यों आती है कि आपको अपने आप को असेस करना है कि आपने अब तक जो है कितना जो है पढ़ लिया, समझ लिया, जितने भी आपने अपनी वर्कशीट्स में किया, ठीक है। तो ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट होती है। असेसमेंट वर्कशीट की जो डेट है आपकी वो है 1 सितंबर 2021, ठीक है। बेटा, करना कैसे है आपको, यहाँ पे आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। फिर क्या है, शॉर्ट आंसर है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसमें आपको अब जो है लिखने वाले हैं आपके, पहले आपके ऑब्जेक्टिव थे, अब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन करते हैं आपके। इसमें हमारे जो है हमने आपके आंसर भी लिखे हुए हैं कि व्हाट आर विली, विली क्या होती है ये, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे हम जो है, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 और फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, ठीक है। ये फिंगर जो आउटग्रोथ्स होती है, दीज आर कॉल्ड विली, सिंगल्स को विलीज बोलते हैं, ठीक है। ये इसका फंक्शन है, अगर आपको फंक्शन भी इसका जो याद करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपका इतना क्वेश्चन एनफ है, ठीक है। ये इसका विली का फंक्शन है। आप ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, मतलब ये जो जगह है सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपका दूसरा क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्लो चार्ट। अब हमें भी फ्लो चार्ट जो है कंप्लीट करना है। क्या है ये, आपके जो है टीथ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो परमानेंट टीथ और क्या मिल्क टीथ, ठीक है। मिल्क टीथ इसको आप टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मिल्क टीथ होते हैं ये, कितने प्रकार के, ठीक है। फिर परमानेंट टीथ के भी 4 टाइप्स होते हैं, इंसाइजर्स या इंसीजर बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर आपके केनाइन होते हैं, फिर आपके प्री मोलर हैं एंड देन आपके मोलर हैं, ठीक है। प्री मोलर और आपका जो फोर्थ है वो क्या है, आपका मोलर, ठीक है। टीथ 2 प्रकार के हैं, 2 टाइप्स हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। एंड परमानेंट टीथ इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इंसाइजर्स, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायरिया, हाउ इट इज कॉज्ड, कि डायरिया क्या होता है और ये कैसे होता है, ये भी आपका जो है क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका ये रहा क्वेश्चन, ये आपका क्या है, डायरिया है, ठीक है। ये आपका जो है थर्ड क्वेश्चन है कि डायरिया व्हेन अ पर्सन पासिस आउट वाटरी टूल्स फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया, जब आपको जो है दस्त टाइप लग जाते हैं, जो पतले पतले टूल्स आते हैं आपको, जब आपको बार बार जो है जाना पड़ता है, तो वो क्या है, डायरिया है। एंड इसको हिंदी में दस्त बोलते हैं। एंड इट मे बी कॉज बाय इन्फेक्शन, फूड पॉइजन और इनगेशन, ठीक है। इंडाइजेशन, जब आपको पाचन सही से नहीं होता, डाइजेशन, आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उससे आपको जो है डायरिया होता है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा कि व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन, कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब इसमें आपको जो है, जब आपका पानी बहुत आपका लॉस हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपका फोर्थ है कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटर स्टूल इट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। जब आपको पतले पतले तो आपको डिहाइड्रेशन होता है, उसमें आपको जो ORS का घोल जो है पीना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत जो है वाटरी लॉस हो जाएगा। इसमें आपको जो वाटर जो है ORS का घोल आपको पीना चाहिए। बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर रिमिनेंट्स एंड राइट आल्सो एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ देम, इनके हमें ये आपके लिए क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ये रहा आपका जो है क्या, ये रहा आपका आंसर, ये रहा, ठीक है। ये आपका 5th क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा सा बड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो गई थी कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली स्वेलो ग्रास ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन, द फूड गेट्स पार्शल डाइजेस्टेड इन र्यूमन एंड इट इज कॉल्ड कर्ड, बट लेटर द कर्ड टर्न्स टू द माउथ इन अ स्मॉल लम्स एंड द एनिमल्स च्यूज इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दिस एनिमल्स कॉल्ड आर रूमिनेंट्स। मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा जो भैंस और गायें होती है वो बार बार क्या जुगाली करती हैं, ठीक है, उसी को हम क्या है रूमिनेशन बोलते हैं, और उस जो एनिमल ये चीज़ करते हैं उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। जैसे आपने काओ, इसका एग्जाम्पल है काओ, ठीक है, और इसका आंसर है बुफेलो, जिसको भैंस बोलते हैं, बुफेलो, ठीक है। तो ये आपका जो है 5th क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है हमारा जो है 6th क्वेश्चन, ये आपका एफ क्वेश्चन है। ये क्या है, व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ लीवर, कि हमारा जो लीवर है उसके फंक्शन क्या होते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि जो लीवर होता है वो क्या, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। ये आपका यहाँ पे आ गया कि ये वाला, ये रहा आपका एफ क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका कौन सा है एफ क्वेश्चन,
कि द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर एंड द बाइल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, तो लीवर का जो क्या है कि ये बाइल को जो है, ये बाइल को क्या है, सिक्रीट करता है, ठीक है, निकालता है, इतना भी आप लिख सकते हैं। और ये अगर आपको और अच्छा लिखना है तो लिख सकते हैं कि जो बाइल है वो क्या है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट एनी थ्री गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डिके, हमें अच्छी आदत क्या है हमारी जो हमारे टूथ डिके में हेल्प करती है, वो हमारा ये रहा। ठीक है, कि वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ। ठीक है, तो ये आपका जो है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है कि आप अपने टीथ को कैसे अच्छे से रख सकते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, ये हमारा हो गया कि डायग्राम ऑफ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, आपके जो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ पे होता है, ये आपका जो होता है स्टमक में होता है विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, स्टमक में होता है, कहाँ होता है, स्टमक, स्टमक में क्या है आपका HCl जो है आपका निकलता है, स्टमक HCl के थ्रू जो है बैक्टीरिया किलिंग होते हैं स्टमक में, वहाँ से क्या है आपका जो है ये HCl निकलता है। और कंप्लीट डाइजेशन आपका कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब हम इसके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट पूरे कर लेते हैं, ये क्या है आपका ईसोफेगस है, ठीक है, ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस, ये क्या है आपका लीवर है, ये क्या है गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये क्या है आपका स्टमक है, इसमें ही आपके जो HCl जो है सिक्रीट होता है, ठीक है, ये क्या है आपका ये वाला, ये क्या है पैनक्रियास, ये क्या है पैनक्रियास, ठीक है, और ये क्या है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आप पहले कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ती हूँ मैं, ये क्या है ईसोफेगस स्टमक, ठीक है, अब ये हमारा क्या बच गया, ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है आपकी एनस, ये वाला, ठीक है, तो ये आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। एक बार मैं फिर बता देती हूँ क्या है, ये आपका ईसोफेगस, ये आपका लीवर, या आपका गॉल ब्लैडर, या आपका पैनक्रियाज, या आपका स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन लास्ट में आपका एनस है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी आज की सेवन्थ क्लास की जो है असेसमेंट वर्कशीट है। इफ़ यू लाइक, हम आपको जो अगर अच्छा लगा हो तो हमारा जो है जो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा आज एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो गई क्वेश्चंस के, ठीक है, एडजस्ट कर लेना बच्चों। तो मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। अगर आप नए बच्चे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।